नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम का पेमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। जो पेटीएम ऑलरेडी यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ पेटीएम पेमेंट का जो नया फीचर्स आया है उसके बारे में बताऊंगा, और जो पेटीएम में नया है उसके लिए हम पहले से फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा कैसे आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल है इस वीडियो में, कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हेल्प बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ इस घंटी के आइकॉन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, पेटीएम पेमेंट में जो तीन ठो ऑप्शन है, एक आप पेटीएम अपना जो आपका वॉलेट है पेटीएम वॉलेट से किसी के वॉलेट में पैसा सेंड कर सकते हैं, दूसरा है आप पेटीएम वॉलेट से अपना बैंक में पैसा सेंड कर सकते हैं, और तीसरा है आप किसी अपना आपका जो बैंक है आपका बैंक से किसी दूसरे का बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सब ही फ्री है, किसी चार्ज आपको नहीं लगेगा पैसा सेंड करने में। तो आइए शुरू करते हैं, एक करके आपको दिखाते हैं। अगर आप किसी वॉलेट से किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं किसी के वॉलेट में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऊपर में पे ऑप्शन है दिख रहा है आपको, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अब जब पे ऑप्शन में जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको दो ठो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप किसी को QR कोड स्कैन करके आप पैसा सेंड कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के भी पैसा सेंड कर सकते हैं। चलिए हम आपको मोबाइल नंबर डाल के पैसा सेंड करके दिखाते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया और पॉसिट पे आपको क्लिक करना है। पॉसिट में आप जब क्लिक करेंगे तो ऊपर में देखिए आप जो इसका भी नाम है वो नाम ऊपर में आ जाएगा, तो मतलब आप श्योर हो जाएंगे कि उसी का वॉलेट है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है कितना सेंड करना चाहते हैं। तो सेंड करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है पेटीएम वॉलेट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर बैंक का ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट का आपको सब डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए हम वॉलेट में आपको दिखाते हैं जिस वॉलेट से ही, तो पेटीएम वॉलेट ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये वॉलेट ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर पे कर देना है, तो ये देखिए पैसा सेंड हो जाएगा, ये ₹1 सेंड सक्सेसफुली। तो ऐसे आप किसी को पैसा सेंड कर सकते हैं अपना वॉलेट से। तो दूसरा ऑप्शन है, आप अगर पेटीएम आपके पास कुछ बैंक अकाउंट है तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करना होगा। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर UPI जो ऑप्शन है तो UPI ऑप्शन में क्लिक करना है। तो UPI ऑप्शन में जाने के लिए सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर स्लाइड करना होगा, लेफ्ट स्लाइड, उसके बाद UPI ऑप्शन में क्लिक करना है। तो UPI ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। मेरा देखिए कुछ बैंक ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर लिंक है, तो जब ऐड बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे तो आप जिस मोबाइल नंबर से आपने पेटीएम अकाउंट ओपन किया था उस मोबाइल नंबर जिस बैंक में है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, और उस बैंक को जब आप सिलेक्ट कर देंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ डेबिट कार्ड का कुछ डिटेल्स देना होगा, जैसे लास्ट 4 डिजिट, उसके बाद OTP आएगा। तो ये सब कुछ आने के बाद आप जब फिलअप कर देंगे तो आपको बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक तो UPI ID मिलेगा, जैसे देखिए यार मोबाइल नंबर @paytm, तो इस UPI ID मतलब दे के किसी कोई भी आपको पैसा सेंड कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में घुस जाएगा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट कौन सा सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बैक करना होगा। जब UPI आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल लाइन है, ऊपर ट्रिपल लाइन पर क्लिक करना है। ट्रिपल लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट सेटिंग में जाना होगा। पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सेव पेमेंट डिटेल्स एंड सेटिंग, तो यहाँ से आपको देखिए यूज़ दिस बैंक अकाउंट टू सेंड मनी, मतलब किस बैंक अकाउंट से आप किसी को पैसा सेंड करेंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरा चेंज हो रहा है, और यहाँ पर नीचे जब जाएंगे तो यूज़ दिस बैंक अकाउंट टू रिसीव मनी, मतलब कौन सा बैंक अकाउंट में आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बैंक सिलेक्ट करना। अगर इसके बाद आप किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं तो फिर से आपको UPI में जाना होगा। उसके बाद आपको बैंक तो पहले सिलेक्ट कर लिया कि किस बैंक अकाउंट से मेरा पैसा डेबिट होगा, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र में क्लिक करना है। मनी ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप किसी का बैंक अकाउंट दे सकते हैं या UPI ID भी दे सकते हैं। सपोज़ किसी का UPI ID है ऐसा, तो यहाँ पर
UPI ID आप दे सकते हैं, @ सपोज किसी का UPI ID है Paytm, तो यहाँ पर UPI ID देके आप प्रोसीड करके उसको आप जो पासकोड देके आप इसको सेंड कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर आप मतलब बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट देके भी अकाउंट नंबर डिटेल्स IFSC कोड देके भी आप सेंड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। और तीसरा जो ऑप्शन आपको बोला था तो वो है आपका मतलब वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जब आप पे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट देने बोलेगा, ठीक है। तो आप जो बैंक अकाउंट यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाला था पहले, तो उसके जगह आप अगर बैंक अकाउंट दे देंगे तो बैंक अकाउंट देके आप अपना बैंक में पैसा सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो चार्जेबल है, वो थोड़ा आपको चार्ज कटेगा, जैसे 2-3% आपका चार्ज कटेगा। तो ये हो गया 3 ऑप्शन। और जो पेटीएम का नया फीचर्स है जो पेटीएम लिंक, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो लिंक के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लाइड करके लास्ट में जाना होगा। उसके बाद देखिए एक्सेप्ट पेमेंट, जैसे आप देखा होगा कोई फ्लिपकार्ट में अगर किसी दूसरे या फिर फ्लिपकार्ट अमेजन में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए जब किसी को पेमेंट ऑप्शन में जाके जो क्लिक करते हैं, उसके बाद जो पेज खुलता है वही पेज ओपन होगा, उस तरह का है। देखिए एक्सेप्ट पेमेंट में क्लिक करना है, उसके बाद अगर कोई आपको पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट मनी, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सपोज 1 रुपये डाल दीजिए, किसी से आप पैसा लाना चाहते हैं, और क्रिएट पेमेंट लिंक, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेयर पेमेंट QR एंड लिंक, ये शेयर करना होगा आपको। तो सपोज हम यहाँ पर व्हाट्सएप से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी दोस्त से पैसे लेना है तो सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर लिंक्स होगी आ गया आपका, ठीक है। लिंक को आप काम कीजिए, लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। तो इस लिंक को क्लिक करके अगर जब कोई ओपन करेगा ना, इस लिंक को क्लिक करके जब कोई ये ओपन करेगा तो वो आपको दिखा देते कैसे ओपन होगा। तो मैंने लिंक कॉपी कर लिया। अभी इस लिंक से हम ब्राउज़र में जाएंगे, तो ब्राउज़र में जाने के बाद हम उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये पेटीएम का नया फीचर्स लॉन्च किया है। हाँ, तो आपने जो लिंक कॉपी किया, वो लिंक को आप जब ब्राउज़र में जाके पेस्ट करेंगे, तो ब्राउज़र में पेस्ट करने के बाद जो पेटीएम ऐप है जो आपको पेमेंट करने जाते हैं, तो वो ऐप का डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आपको पेमेंट कर सकेगा, या आपका जो QR कोड है वो स्कैन करके भी आपको पेमेंट कर सकेगा। तो ये हो गया पेमेंट के बारे में कुछ नया फीचर्स और कुछ जो पुराना फीचर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना चैनल जो है नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ।